स्वागत है फिर से एक नए फ्रेश कुमार की वीडियो में। तो जैसे कि आप सबने थंबनेल देख ही लिया होगा, समझ गए होंगे आज किस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि आप सबने देखा कि आप थंबनेल में कि किस तरह से आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल का कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हो। काफ़ी सारे लोग यहीं पर जाके यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन वो जाके यहीं पर जाके मिस्टेक कर जाते हैं कि वो अपने यूट्यूब चैनल का कैटेगरी, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का यूट्यूब चैनल का कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से एग्जैक्टली यूट्यूब को पता ही नहीं चलता कि ये किस कैटेगरी का चैनल है और किस कैटेगरी चैनल के वीडियो के नीचे सजेशन में डालना है इस वीडियो को। तो जिस वजह से आपके यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो पाता। अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल को 2024 में सक्सेसफुली ग्रो करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यहाँ पे मैं सारे कैटेगरी के बारे में वन बाय वन करके बताऊंगा। आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका किस कैटेगरी का चैनल है। लेकिन चलता अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एंड आपको मैं यहाँ पर सारा स्टेप बताता हूँ किस तरह से आपको अपने यूट्यूब चैनल का कैटेगरी सेट करना है। क्या आप सब देख पा रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। एंड मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना स्टूडियो, यहाँ पे लिखना studio.youtube.com/channel लिख के आपको सर्च कर देना। जैसे आप सर्च कर दोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। देन आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे देन कुछ इस तरह से यहाँ पे सर्च लेगा। सर्च लेने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये आपका इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है ये कितना जल्दी लोड होके ओपन होता है। तो अगर आपका इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक है तो ये जो है जल्दी से लोड होके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पे लोड होके आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आप सबको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर फाइनल स्टेप क्या करना है। यहाँ पर तो जैसे ही ये लोड होके आपके सामने इस तरह से आ जाएगा तो आपको यहाँ पे सिंपली से करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे के साइड आपको देख रहा होगा कॉर्नर के साइड जहाँ पे सेटिंग का आइकन बना हुआ है। मैं जूम करके आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को सही से विजुअल हो। ये देखिए कॉर्नर के साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सेटिंग का आइकन, तो आपको ये बस यहीं पे क्लिक कर देना। ये देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इस तरह से क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे आपके सामने लोड होके आएगा। तब अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जनरल पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब आपको यहाँ से आपको चैनल के ऑप्शन पे यानी सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे सेकंड नंबर पे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। देन अब आपको यहाँ पे करना क्या है मैं आप सबको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाना। जैसे आप एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाओगे देन कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो यहां पे आपको सब कुछ चेक कर लेना है। अब आपको यहां पे आना है नीचे, आपको थर्ड नंबर पे अपलोड डिफ़ॉल्ट थर्ड नंबर के ऑप्शन पे आना है। उसके बाद एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाना है। उसके बाद अब यहां पे आपको जो है आपका अपना चैनल का कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइसेंस ऑफ यूट्यूब। उसके बाद यहाँ पे सिकंड जो है यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका वीडियो का लैंग्वेज, ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ही वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का कैटेगरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ऑल कैटेगरी के बारे में वन बाई वन करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको नन यहाँ पर दिखेगा जिसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है ऑटोज़ एंड व्हीकल्स। व्हीकल मतलब अगर आप अपने कोई कार का वीडियो या ड्राइविंग सिखा रहे हो, कार का वीडियो अपलोड कर रहे हो, कार का सर्विसिंग करते हुए कार के शोरूम में काम करते हो, न्यू कार के बारे में बता रहे हो, उसके फीचर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपका जो है कार से यानी व्हीकल से रिलेटेड अगर ये एक यूट्यूब चैनल है तो आप ये प्रीफर कर सकते हो ये कैटेगरी। और अब मैं आप सबको बता देता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी आप सबको। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो आता है वो है कॉमेडी का। जैसा ही आप सबको पता ही कि कॉमेडी का चैनल होता है, तो कॉमेडी अगर आप किसी फ़नी वीडियो बनाते हो यानी कॉमेडी करते हो अपने चैनल पे तो आप ये वाला कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे आता है एजुकेशन चैनल। अगर आप यानी एक टीचर हो यानी कुछ सिखाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ाते हो,
आप यहाँ पे एजुकेशन वाला चैनल को सेलेक्ट कर सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से। अब उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट चैनल। अगर आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई इंटरटेनिंग वीडियो बनाते हो तो उस टाइप का आप यहाँ पे इंटरटेनमेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फिल्म एंड एनिमेशन। अगर आप फिल्म एंड एनिमेशन वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ पे एनिमेशन से रिलेटेड अगर वीडियो बनाते हो, कार्टून्स वार्टून का एनिमेशन वीडियो बनाते हो, यानी एनिमेशन बनाने के लिए सिखाते हो, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आता है यहाँ पे गेमिंग चैनल। तो गेमिंग जैसा आप सबको पता ही कि कैरे मिनाटी के बारे में, उनका भी गेमिंग चैनल है। आप गेमिंग से रिलेटेड अपडेट देते हो अपने चैनल पे, या फिर गेमिंग से रिलेटेड आप वहाँ पे जो है कोई अपडेट देते हो, यानी फ्री फायर, BGMI और काफ़ी सारा जो है GTA 5 हो गया, इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हो यानी गेम प्ले करते हो, तो आप ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। एंड अब यहाँ पे आता है जो हाउ टू एंड स्टाइल। तो हाउ टू एंड स्टाइल एग्जैक्टली कौन सा कैटेगरी है, काफ़ी लोगों को इसका नाम भी पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आप सबको बता देता हूँ। हाउ टू होता है कि अगर आप कुकिंग से रिलेटेड अपने लाइफ कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपका ये कैटेगरी परफेक्ट है। हाउ टू ही इस कैटेगरी होता है और स्टाइल भी होता है, हाउ टू स्टाइल। तो अब यहाँ पे आता है म्यूज़िक। म्यूज़िक अगर आप एक म्यूज़िक क्रिएटर हो यानी न्यूनिट तरह का म्यूज़िक बनाते हो तो आप यहाँ पे अपना आपका एक म्यूज़िक से रिलेटेड चैनल है तो आप यहाँ पे म्यूज़िक सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है न्यूज़ एंड पॉलिटिशियन। अगर आप न्यूज़ और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देते हो यानी एक मीडिया वाले हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका एक न्यूज़ चैनल है तो भी आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे कैटेगरी नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। तो नॉन प्रॉफिट एक्टिविज्म में होता है क्या कि आप वहाँ पे अपने चैनल से कोई भी प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, यानी कि आप विदाउट प्रॉफिट का यहाँ पे काम करना चाह रहे हो, तो ये आप ये वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट, अगर आप ये नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको पीपल एंड ब्लॉग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो पीपल एंड ब्लॉग ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, ये ऑल कैटेगरी का आप इस पर जो है वीडियो अपलोड कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है ये ब्लॉगिंग चैनल के लिए। अगर आप एक ब्लॉगिंग ब्लॉगर बनना चाहते हो, ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए हो, तो आप ये वाला कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लेना, तो ये बेस्ट रहता है ब्लॉगिंग के लिए और इसी पे आपका वीडियो वायरल होगा। अगर आपका ब्लॉगिंग का चैनल है और ऊपर से आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो तो उसमें होगा क्या कि आपका जो है उसमें होगा कि आपका यहाँ पे ये जो चीज़ है आपका वीडियो जो है यूट्यूब का जो है मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कहाँ पर आपका वीडियो को सिलेक्ट करवाना है। अब नेक्स्ट जो आता है पेड एंड एनिमेशन। तो पेड एंड एनिमेशन एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैं आप सबको बता देता हूँ। तो पेड एंड एनिमेशन कैटेगरी जो होता है वो एग्जैक्टली जो है पेड एंड एनिमेशन कैटेगरी जो होता है वो यहाँ पे अगर आपको आपके पास कोई भी पेड है जिसका आप वीडियो अपलोड कर रहे हो या फिर नए नए पेड शॉप में आप जा रहे हो वहाँ पे जाके आप वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये वाला जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट पे आता है माई कैटेगरी, यानी आप अगर टेक कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आता है अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट देते हो यानी स्पोर्ट का चैनल है या फिर स्पोर्ट कहीं पे हो रहा है आप वो अपलोड करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे जो है आपको स्पोर्ट सेलेक्ट करना होगा यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वगैरह। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे आता है वो है ट्रैवलिंग एंड इवेंट। अगर आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो यानी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है आपके पास या फिर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो और उसका वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पे बना के अपलोड करते हो तो वो यहाँ पे ये कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा कैटेगरी था जिस पे आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। अब इनमें से कौन सा कैटेगरी आपका यूट्यूब चैनल का है नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और जाते जाते अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि वो भी ये वीडियो को देख ले और अपने यूट्यूब चैनल का कैटेगरी सही कर रहे जिनसे उनका भी चैनल 2024 में ग्रो हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।